नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पेपर के यूनिट फोर्थ के बारे में। फर्स्ट पेपर के यूनिट फोर्थ दैट इज पीएन जंक्शन। इस पर्टिकुलर यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में रिव्यू देखने से पहले, सबसे पहले हमने अभी तक क्या किया, हमने फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट में देखा रजिस्टर्स, बेसिक कंपोनेंट और वी कैन से दैट पैसिव कंपोनेंट्स। देन हमने सेकंड यूनिट में उन पैसिव कंपोनेंट के नेटवर्क प्लस इनपुट, यानी इनपुट क्या क्या हो सकता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इनके बारे में पढ़ा। नाउ नेक्स्ट हमने थर्ड यूनिट में पढ़ा सेमीकंडक्टर फिजिक्स, के सेमीकंडक्टर होता क्या है, उसके पार्टिकल्स क्या क्या हैं, उसके इनर साइड क्या क्या चीज़ें हैं, सेमीकंडक्टर में हम किस तरह से सेमीकंडक्टर के टाइप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किस टाइप के करंट होते हैं एंड सो ऑन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द फोर्थ यूनिट दैट इज पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन इस पर्टिकुलर यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि पीएन जंक्शन होता क्या है, डिप्लीशन लेयर कैसे फॉर्म होती है, कैसे एक पीएन जंक्शन डायोड इम्प्लीमेंट होता है, देन इस डायोड में क्या क्या हम बायसिंग कर सकते हैं, इसकी बायसिंग कितने टाइप की है, मतलब हम इस पर इनपुट कैसे अप्लाई करेंगे जिस पर इसकी बिहेवियर क्या होगा, दैट मीन्स देयर कैरेक्टरिस्टिक। देन इसके कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस की, और फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस में हम देखेंगे प्लॉट्स। देन हम बात करेंगे ब्रेकडाउन की, ब्रेकडाउन लाइक एवलांची एंड ज़ीनर ब्रेकडाउन। देन हम बात करेंगे किसी भी डायोड के रेजिस्टेंस, कितने टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस की। देन हम बात करेंगे इस डायोड के कैपेसिटेंस की एंड देयर टाइप्स की। नाउ द सेकेंड हाफ of this particular unit is special purpose diode. Special purpose diode में हम बात करेंगे Zener diode की, Schottky diode की, tunnel diode की, LED की, solar cell as well as varector diode, इन सब की हम क्या करेंगे बात करेंगे। इन सभी में हम इनकी construction देखेंगे, impurity level देखेंगे, as well as इनका behavior क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, उस behavior के respect में इनके क्या क्या application हो सकते हैं and so on। तो इस तरह से हम इस पूरी unit को read करेंगे और पढ़ेंगे as well as समझेंगे। So start करते हैं हम हमारे first topic से, that is PN junction diode। ठीक है, दैट इज पी एन जंक्शन। जनरली हमने अभी तक जो देखा, या तो जो हमने सेमीकंडक्टर देखे थे वो क्या थे, वो प्योर फॉर्म में थे और इम्प्योर और एक्सट्रेंसिक फॉर्म में थे, लाइक पी टाइप एंड एन टाइप। अब ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इनका यूज है पर इनका यूज बहुत लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। सो ये इतने यूजफुल नहीं होते, पर जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिला देते हैं तो जो डिवाइस फॉर्म होती है, इस पर्टिकुलर डिवाइस को कहा जाता है पीएन जंक्शन। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस में एटलीस्ट एक पीएन जंक्शन तो होता है, यानी एक पीएन जंक्शन तो कंपलसरी है। सो ऐसे सिचुएशन में ये डिवाइस क्या हुई, बहुत यूजफुल हुई फॉर अदर पर्पस एंड मैका सर्किट्री एंड सो ऑन। सो ये जो है, अब आप दो, एक पी टाइप और एक एन टाइप को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, नहीं। एक्चुअली जब आप इन्हें ज्वाइन करते हो तो पी टाइप और एन टाइप को अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं या फिर आप इन्हें वेल्ड करते हैं तो क्या होगा, इनके बीच में एक सेपरेशन आ जाता है जो क्या करता है, इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करता है। सो ऐसी सिचुएशन में हमें पीएन जंक्शन को ज्वाइन करने के लिए ऐसे टेक्निक यूज़ करनी होती है जिसके कारण क्या हो, इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो इनकी बाउंड्रीज है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, वो चेंज ना हो। तो जब हम इस तरह से, इस वे में हम क्या करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करते हैं, तो जो हमें डिवाइस मिलता है उसे कहा जाता है पीएन जंक्शन। ये ज्वाइन करने की या इन पी टाइप और एन टाइप को आपस में मिलाने की जो टेक्निक है, वो आपको बोर्ड पर कुछ स्पेसिफिक टेक्निक क्या हो रही है, शो हो रही है। नाउ अब ये जो टेक्निक्स हैं इनके थ्रू जब हम पी टाइप और एन टाइप को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, हमें एक डिवाइस मिलती है जो क्या होती है, पी, जिसे ही हम क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन। ये क्या है हमारा,
एक पी एन जंक्शन, जिसका एक पार्ट क्या होता है पी एंड सेकेंड पार्ट इज एन, क्लियर है। और इसमें से जो टर्मिनल पी साइड से बाहर आता है इस टर्मिनल को हम एनोड कहते हैं, और जो टर्मिनल एन साइड से बाहर आता है उसे हम कैथोड कहते हैं, क्लियर। दैट इज एनोड एंड दैट इज कैथोड। अब ये जो एनोड और कैथोड है, एनोड जो होता है बैटरी का, हम हमेशा क्या कंसिडर करते हैं, दैट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। और पी में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स। सेम इज एन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, और हमने इसलिए इस टर्मिनल को क्या कह दिया, कैथोड। अब इसका जो पी एन जंक्शन, इस तरह से क्या होता है, हमें जो पी एन जंक्शन मिलता है, इसे ही क्या कहा हमने, डायोड। डायोड लाइक अ स्विच। डायोड क्या है, डायोड एक इलेक्ट्रिक स्विच है जो क्या करता है, फॉरवर्ड बायस के केस में ऑन होता है, ऑन होता है, और रिवर्स बायस के केस में ऑफ हो जाता है। जस्ट अ स्विच, एक स्विच जो होता है वो क्या होता है, यही क्या है, एक स्विच, एनोड और कैथोड। जब हम इसे फॉरवर्ड करेंगे तो ये स्विच क्या हो जाएगा, ये स्विच क्या होगा, यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ये येलो लाइन क्या शो कर रही है, दैट इज कनेक्टेड ऑन पोजीशन। सो ये क्या हो गया, ऑन हो गया। और जब हम इसे रिवर्स करते हैं तो ये व्हाइट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज ऑफ, मतलब ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। सो इस सिचुएशन में ये हमारा डायोड क्या है, दैट इज ऑफ इन रिवर्स वाइज, एंड अगर हमारा डायोड क्या है, ऑन है, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड, दैट इज कैथोड, एनोड और ऑन। तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑन कंडीशन में आ जाएगा। अब सिंपल सा इस पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल है उसे हम, उसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, दैट इज आर पी एन जंक्शन डायोड। इट इज देयर पी पार्ट, दैट इज एन पार्ट, इसे हमने क्या कहा, एनोड, और इसे हमने क्या कहा, कैथोड। सो आई होप आप सभी को पी एन जंक्शन का इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डिप्लीशन लेयर की। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।